हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं यहां, वो है क्लास 12, कक्षा 12। वी आर स्टडिंग हियर कंपल्सरी इंग्लिश ऑफ क्लास 12। हम यहां कक्षा 12 की अनिवार्य अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आपका ग्रामर पोर्शन चल रहा है, लॉन्ग कंपोजिशन शॉर्ट कंपोजिशन। इन कंपल्सरी इंग्लिश ऑफ क्लास 12 यू हैव ओनली लॉन्ग कंपोजिशन एंड शॉर्ट कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन लेटर राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट यह हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि शॉर्ट कंपोजिशन क्या है। शॉर्ट कंपोजिशन यानी कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। शॉर्ट कंपोजिशन में यह बात करते हैं रचनात्मक व्याकरण, और वो भी लॉन्ग कंपोजिशन नहीं, बहुत ही विस्तार से नहीं, बिल्कुल शॉर्ट छोटे में। इसमें आपको एक टॉपिक में करवा चुका हूं प्रिय विद्यार्थियों। यह हम जो बात कर रहे हैं, आपके पांच टॉपिक थे और पांचों टॉपिक में यहां आपको दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे और दो में से आपको किसी एक का जवाब देना है। इसके अलावा मैं आपको पांच टॉपिक के नाम बता देता हूं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्गुमेंट, पोस्टर एंड डिजाइनिंग और इनविटेशन एंड रिप्लाई। ये आपके पांच टॉपिक हैं और पांच में से आपको किन्हीं दो प्रश्न आएंगे और उनमें से किसी एक का जवाब देना होगा। यहां नोटिस में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक की आज हम बात करेंगे वो है एडवर्टाइजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश। अंग्रेजी में हम इस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सबसे पहले तो ये जानना अति आवश्यक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक को अंग्रेजी में उच्चारण कैसे करते हैं। नंबर एक, इसको हम दो प्रकार से उच्चारण करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था अंग्रेजी दो प्रकार की, एक जो बात करते हैं हम यहां ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में और एक करते हैं अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। दोनों प्रकार की मिलीजुली अंग्रेजी का हम अध्ययन यहां इंडिया में करते हैं। हालांकि हम पूरा का पूरा फोकस देते हैं, वो देते हैं ब्रिटिश इंग्लिश पर। अमेरिकन इंग्लिश का भारत में बहुत ही कम न्यून, क्योंकि कुछ लेखकों ने कुछ शब्दों का ही प्रयोग किया है। हालांकि दोनों अंग्रेजी मिलती जुलती है, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अलग हैं, उच्चारण भी अलग होता है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसमें आईपीए का निर्माण हुआ, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग एसोसिएशन। आईपीए के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग अल्फाबेट और एक होता है इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग एसोसिएशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय उच्चारण संगठन। इसका निर्माण हुआ था कि अंग्रेजी भाषा जो है ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें ऐसे कुछ सिंबल्स, ऐसे प्रतीकों का निर्माण किया जाए जिससे कि उसको किसी भी भाषा का व्यक्ति अंग्रेजी को आसानी से उच्चारण कर सके, चाहे वो किसी भाषा का हो, हिंदी भाषा का हो, उर्दू भाषा का हो।
सभी भाषाओं का व्यक्ति अंग्रेजी को सीख करके और उसका सही तरीके से उच्चारण कर सके। हम यहाँ भारत में अंग्रेजी बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, किताब हमारे पास होती है और हम पढ़ते भी जाते हैं, लेकिन हम उन शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से करते हैं। मैंने एक दिन बताया था WOMEN, इसको वोमेन बोलते हैं लेकिन वो गलत है, इसको बोलते हैं विमेन, VILLAGE, विलेज नहीं बोलते हैं। द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज विलेज। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो यहां हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट की। मैंने बताया था इस शब्द को हम दो प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से और एक अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से। प्रिय विद्यार्थियों, एडवर्टाइजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इस शब्द को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। मैं भी यहां बोल रहा था पहले एडवर्टाइजमेंट, ध्यान रखना है, मेंट नहीं बोलता है कभी, क्या बोलता है? मंथ, एडवर्टाइजमेंट। ये तो हो गया अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ये ध्यान रखना, ये आपका टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन, हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन के कई माध्यम होते हैं प्रिय विद्यार्थी, समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, आजकल तो सोशल मीडिया भी है। तो इतने सारे जो क्या कहते हैं मीडियम हैं इसके, विज्ञापन के। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल एक ही प्रकार का मीडियम दिया हुआ है और वो है समाचार पत्र से संबंधित, समाचार पत्र से संबंधित विज्ञापन। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। ए नोटिस और अनाउंसमेंट, एक सूचना और अनाउंसमेंट, इन ए पब्लिक मीडियम। ए नोटिस, एक सूचना, और अनाउंसमेंट या कोई घोषणा, इन ए पब्लिक मीडियम, सार्वजनिक माध्यम में, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इवेंट्स, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सेवाएं, इवेंट्स और घटनाएं, एंड ऑल्सो पब्लिसाइजिंग जॉब वैकेंसी इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। ये आपका डेफिनेशन है। हिंदी में बात करते हैं, ए नोटिस, एक सूचना, और अनाउंसमेंट या कह सकते हो घोषणा, इन ए पब्लिक मीडियम, सार्वजनिक माध्यम में, प्रमोटिंग बढ़ाते हुए,
आगे रखते हुए प्रोडक्ट्स माने उत्पादों को, सर्विसेज सेवाओं को, इवेंट्स घटनाओं को, एंड आल्सो पब्लिसाइजिंग जॉब वैकेंसीज और नौकरियों को भी प्रकाशित करते हुए इट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। वो क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। अब देखिए मैंने बताया था पब्लिसाइजिंग, ये एस लगा हुआ है, ये शब्द ब्रिटिश इंग्लिश का है, इस जगह पर एस को हटा करके जेड लगा देते हैं तो ये शब्द हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश का। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। यहां से आगे चलते हैं, लिखिए नीचे पाठ्यक्रम में केवल समाचार पत्रों से संबंधित विज्ञापन दिए हुए हैं। ये निम्न छह प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात कर रहे हैं हम समाचार पत्रों से संबंधित विज्ञापन के बारे में। मैंने आपको बताया था समाचार पत्र के जो माध्यम हैं वो आपके कई हो सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में केवल किसके दिए हुए हैं? समाचार पत्रों से संबंधित। ये छह प्रकार के हैं। कौन कौन से छह प्रकार के हैं? नंबर एक, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वैवाहिक विज्ञापन। नंबर दूसरा, एजुकेशनल शैक्षणिक विज्ञापन। अकोमोडेशन किराए पर लेना या देना। तीन प्रकार तो ये हो गए, चौथा प्रकार है सेल एंड परचेज। बेचना, खरीदना। पांचवा प्रकार है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। और नंबर छह प्रकार है आपका
जॉब वैकेंसी नौकरी। प्रिय विद्यार्थियों, समाचार पत्रों से संबंधित आपके केवल और केवल 6 प्रकार के विज्ञापन हैं। कोई कोई बुक डिक्टेट करती है कि 7वां प्रकार और होता है, वो होता है डिस्प्ले वाला। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन जो होता है वो समाचार पत्रों की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि किताबें ये बताती हैं कि 7वां प्रकार डिस्प्ले भी कर दे। डिस्प्ले में क्या होता है कि समाचार पत्रों में सभी में हम यहां अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो अलग से होना चाहिए 7वां प्रकार, लेकिन वो अलग से नहीं है। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन। समाचार पत्रों में हम जो भी विज्ञापन लिख रहे होते हैं उस विज्ञापन में हम चित्रों का प्रयोग भी करते हैं। चित्र बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो वो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन। अब इसमें डिस्प्ले करेंगे तो लड़का व लड़की का सामान्य चित्र, किसी खास का नहीं, जनरल कोई भी चित्र लगा देते हैं। एजुकेशनल में किसी संस्थान का मकान का चित्र, किसी इंस्टीट्यूट का, और उस पर नाम लिख देते हैं। एकोमोडेशन, किराए पर लेना व देना, मकान बना करके लिख देते हैं किराए पर। सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। और जॉब वैकेंसी, नौकरियां। अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट यानी किसी उत्पाद को, किसी वस्तु को जब हम बेचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन के साथ साथ हम उस वस्तु का चित्र भी बना देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कॉलगेट का प्रचार कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, प्रचार करने के साथ साथ आप उस कॉलगेट का चित्र भी बना दोगे और उस पर लिख दोगे कॉलगेट। ये हो गया डिस्प्ले। ये बेचने से संबंधित ही है, डिस्प्ले वाले बेचने से संबंधित केवल। जैसे कोई आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जैसे कपड़े, कपड़ों की डिजाइन, तो आपने 2-3 कपड़ों की डिजाइन बना दी, बस वो हो गया डिस्प्ले। तो हम यहां डिस्प्ले का अध्ययन न करते हुए डिस्प्ले जो है उसका हम अध्ययन करेंगे कहां, आपका एक टॉपिक है, कौन सा आपका टॉपिक है, पोस्टर एंड डिजाइनिंग, उसमें। दूसरी बात, डिस्प्ले का भी मैं आपको 1 या 2 विज्ञापन यहां बनवा दूंगा। ओके डियर्स, तो यह बात करते हैं मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन क्या होता है, विवाह से संबंधित इसमें विवरण दिए जाते हैं। विवाह से संबंधित का मतलब ये जो विज्ञापन होता है इसमें वर चाहिए, वधु चाहिए। आपने जो आप इस क्लास को देख रहे हैं, आपने कई बार न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो और न्यूज़पेपर में बहुत से प्रश्नों को हम खोलते हैं तो हमें बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट लिखा हुआ आता है वर चाहिए, वधू चाहिए। हालांकि हम उस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम अगले हमारा जो कोई भी घटना को हम पढ़ रहे हैं या कोई भी लेख को हम पढ़ रहे हैं वहां ध्यान जाता है, हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें उस चीज की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है। इस वजह से हम उस ओर नहीं ध्यान देते हैं। आपने पढ़ा होगा वर चाहिए, वधू चाहिए, वो इसी में है। दूसरा विज्ञापन आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। शैक्षणिक विज्ञापन में क्या होता है, इसमें शिक्षा से संबंधित विवरण लिखे जाते हैं। शिक्षा से संबंध का मतलब इसमें ऐसा विवरण लिखा जाता है जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई संस्थान है, कोई कोचिंग सेंटर है, वो कौन कौन से कोर्स उपलब्ध कराता है बच्चों को, या कोई कोचिंग है वो कौन कौन से कोर्सेज की कोचिंग कराता है, वो इसमें लिखे जाते हैं एजुकेशनल में।
ये ध्यान रखना, हम एजुकेशनल में केवल और केवल उन चीजों का विवरण लिखते हैं जिन कोर्सेज को, जिन पाठ्यक्रम को आपको यानी जो संस्थान है वो उपलब्ध करा रही है। मान के चलिए गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कौन कौन से कोर्स उपलब्ध कराती है, क्लास 10th, 9th, 11th, 12th फाउंडेशन कोर्स, नीट कोर्स, आईआईटी कोर्स जो है, बीटेक कोर्स, ये करा, तो ये विज्ञापन लिखिए आप। तो ये ध्यान रखना कि शैक्षणिक विज्ञापन केवल संस्था जो होती है, संस्था में जो पाठ्यक्रम होते हैं उससे संबंधित विज्ञापनों का विवरण लिखा जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए पर लेना, अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, निवास। आप यहां सिंगल एम भी लिख सकते हैं, एक एम को हटा करके आप सिंगल भी लिख सकते हो, डबल एम की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने फिर बताया था अमेरिकन इंग्लिश में डबल एम नहीं आता है, सिंगल एम आता है। मैंने एक दिन और बताया था COLOUR कलर, अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं आता है, केवल आता है COLOR। चलते हैं आगे। अकोमोडेशन किराए पर लेना, और टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। ये दो चीजें दी हुई हैं, किराए पर लेना व किराए पर देना। अब बात करते हैं नंबर 4, किराए पर लेना देना क्या होता है। इस प्रकार के विज्ञापन में विशेषकर किसी मकान को किराए पर लेने व देने के बारे में विवरण लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का मतलब होता है बेचना और खरीदना। सेल वन क्या होता है, बिक्री। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, एक स्पेलिंग होती है सेल, SELH, वो आपको यहां नहीं लिखनी है, क्योंकि सेल जो होती है वो है वर्ब बेचना, और सेल वन क्या होती है, बिक्री। ये लिखनी है आपको। किसी भी मकान को, किसी प्लॉट को यानी भूखंड को, या किसी वाहन को खरीदने या बेचने संबंध विज्ञापन जो लिखे जाते हैं वो सेल एंड परचेज वाले कॉलम में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब है खोया पाया। लॉस्ट माने खोया और फाउंड माने पाया। ये जो विज्ञापन लिखे जाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले कॉलम में, यदि किसी की कोई वस्तु खोई हुई है या किसी को कोई वस्तु पाई हुई है, तो ये विज्ञापन इसमें लिखे जाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले कॉलम में। जॉब वैकेंसी नौकरियां, प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, निजी क्षेत्र में जो विज्ञापन लिखे जाते हैं वैकेंसीज के लिए, मान लीजिए कोई संस्था विज्ञापन देती है कि उस संस्था में नौकरियों की आवश्यकता है, इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल में नर्सेज की आवश्यकता है, या फिर वार्ड बॉय की आवश्यकता है, कोई भी स्थान पर, किसी भी संस्थान में आपको टेलीफोन ऑपरेटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, तो वो जॉब वैकेंसीज वाले कॉलम में लिखे जाते हैं। चलते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपको यहां लिखना है, टेलीविजन, रेडियो लिखिए, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि विज्ञापन के माध्यम होते हैं, लेकिन उपरोक्त विज्ञापन
केवल न्यूज़पेपर से संबंधित हैं जिनका अध्ययन निम्न प्रकार करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आप थोड़ा सा ये और लिखिए कि विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं। नीचे डैश लगाइए। विज्ञापन लिखते समय दो खाने बनाए जाते हैं। खाने का मतलब कॉलम बनाए जाते हैं। एक छोटा व दूसरा बड़ा। छोटे खाने में विज्ञापन का प्रकार व बड़े खाने में विज्ञापन का विवरण लिखते हैं। विज्ञापन की समाप्ति पर एड्रेस, फोन नंबर या मोबाइल नंबर अवश्य लिखते हैं। तो यहां हम सबसे पहले मैट्रिमोनियल अटायनमेंट का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप यहां तक इसको कॉपी कीजिए, यहां तक आप इसको उतारिए। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। नंबर एक डाल करके आप लिखिए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैंने आपको पहले इसके बारे में लिखवा दिया है। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जिनमें केवल और केवल विवाह से संबंधित विवरण लिखा जाता है। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में केवल विवाह से संबंध विज्ञापन लिखा जाता है। लिखो, इसमें केवल विवाह से संबंधित विज्ञापन लिखते हैं।
सर्वप्रथम ऊपर मैट्रिमोनियल लिखते हैं। मैट्रिमोनियल को आप इफ यू डू नॉट वांट टू राइट मैट्रिमोनियल द वर्ड मैट्रिमोनियल इन कैपिटल लेटर देन यू कैन राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल एंड ऑल द लेटर्स इन स्मॉल। यदि आप इस मैट्रिमोनियल शब्द को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसमें पहला अक्षर एम कैपिटल लेटर्स लिख दीजिए और बाकी सभी अक्षरों को आप किस में लिख दीजिए, स्मॉल में लिख दीजिए। इसमें केवल विवाह से संबंध विज्ञापन लिखते हैं, सर्वप्रथम ऊपर मैट्रिमोनियल लिखते हैं। मैंने आपको यहां समझा देता हूं थोड़ा सा कि इस तरह का कॉलम बनाया जाता है विज्ञापन में, जैसे हमने नोटिस में बनाया था, लेकिन नोटिस में ये एक ही कॉलम होता है जबकि विज्ञापन में दो कॉलम होते हैं, एक तो इतना छोटा और एक बड़ा। तो यहां लिखेंगे हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैट्रिमोनियल, यहां लिखेंगे मैट्रिमोनियल। ये अलग बात है कि आपका क्वेश्चन विज्ञापन का आता है तो आप क्वेश्चन डाल करके लिखोगे एडवर्टाइजमेंट, और ऐसा कॉलम बना करके आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे मैट्रिमोनियल, और इस छोटे खाने में क्या लिखोगे वो मैं आगे लिखता हूं। नीचे डैश लगाइए, छोटे वाले खाने में मैंने बता दिया दो खाने आते हैं, सिर्फ एक छोटा एक बड़ा। ये कॉलम आप बना रहे हो इससे ऊपर ही ऊपर तो क्या लिखेंगे मैट्रिमोनियल, जैसे हमने नोटिस बोर्ड लिखा था नोटिस में उसी प्रकार से मैट्रिमोनियल। छोटे वाले खाने में वांटेड अ ब्राइड या वांटेड अ ग्रूम, ग्रूम नहीं लिखते हो तो पूरा लिख दीजिए बी आर आई डी ई ब्राइड ग्रूम। छोटे वाले खाने में लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छोटे वाले खाने में क्या लिखेंगे वांटेड ए ब्राइड, और ब्राइड नहीं लिखोगे क्या लिखोगे वांटेड ए ग्रूम या वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। प्रिय विद्यार्थियों, जो विज्ञापन लिखे जाते हैं समाचार पत्रों से संबंधित, उसमें मैट्रिमोनियल जो विज्ञापन है वैवाहिक विज्ञापन है, उसमें हम केवल विवाह से संबंधित विवरण को लिखते हैं, जिसमें वर चाहिए वधु चाहिए आपने पढ़ा होगा। वांटेड ए ब्राइड का मतलब होगा वधु चाहिए, ब्राइड का मतलब क्या होता है वधु या दुल्हन कह सकते हो, और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है यानी वर या कह सकते हो दूल्हा। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। यदि प्रश्न ऐसा है कि आप वधु की तलाश कर रहे हो तो क्या लिखोगे वांटेड ए ब्राइड, और आप दूल्हे की तलाश कर रहे हो यानी वर की तलाश कर रहे हो तो क्या लिखोगे वांटेड ए ग्रूम या वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। ब्राइड मीन्स होता है वधु या दुल्हन, और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम मान होता है वर या दूल्हा। मैं समझता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा इस प्रकार का कॉलम जब बनाते हैं तो ये दो कॉलम बनाते हैं, एक तो छोटा कॉलम बिल्कुल यानी कि आपकी कॉपी के हिसाब से दो पंक्तियों का,
और नीचे जो कॉलम है ये वाला, इसको आप बना दीजिए नीचे से, आप इसको बंद मत करो। बंद कब करना है? जब हम इसमें कंप्लीट डिटेल लिख देंगे, कहां तक डिटेल आती है, कहां तक लिखा जाता है, वहां से बंद कर देना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस तरीके से बनाना है, यूं बंद नहीं करना नीचे से। यहां आपने लिख दिया मैट्रिमोनियल, यहां लिख दिया वांटेड ए ब्राइड या वांटेड ए ग्रूम, ये लिख दिया। यहां से आप लिखना प्रारंभ करोगे विज्ञापन। अब ये विज्ञापन कितना लिखा जाता है, जितना ही लिखा जाता है वही आप इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ओके डियर्स, मैं समझता हूं आपको यहां समझ में ये आ गया होगा। नंबर एक, जो ग्रूम और ब्राइड ग्रूम लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, ऊपर तो क्या लिख देंगे मैट्रिमोनियल, यहां क्या लिख देंगे वांटेड ए ग्रूम या वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। ओके डियर्स, क्लियर? यहां जो हम लिखेंगे, यहां बड़े उसमें वो क्या लिखेंगे उसको आगे देखते हैं। प्रश्न आपका कैसा आया हुआ है, ब्राइड ग्रूम का आया हुआ है, ब्राइड का आया हुआ है, ये ध्यान रखना है। नीचे बड़े खाने में लड़का या लड़की का विवरण लिखते हैं जिसके लिए, जिसके लिए ब्राइड या ब्राइडग्रूम का विज्ञापन लिख रहे हैं। मतलब कहने का, छोटे वाले खाने में लिख दिया आपने वांटेड ए ब्राइड या कह सकते हो ग्रूम, और आप नीचे बड़े खाने में लड़का या लड़की का क्या लिखेंगे, विवरण लिखेंगे कि आपको कैसा लड़का या कैसी लड़की की आवश्यकता है और किसके लिए आवश्यकता है। पहले तो लिखेंगे जिसके लिए आवश्यकता उसका विवरण, विवरण में जाति या गोत्र, हाइट, एज, एजुकेशन, प्रॉपर्टी यदि हो तो, इसका खास विवरण आपको नहीं लिखना है। लिखते हैं प्रॉपर्टी के अलावा कितनी अर्निंग करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, वो आपको लिखना है। गवर्नमेंट जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो आपको एजुकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है एमबीबीएस। आपको कोई गवर्नमेंट टीचर है तो आपको वहां बीएसटीसी, बीएड या
आपको एम ए बी एड लिखने की आवश्यकता नहीं है, बी एस सी बी एड लिखने की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट टीचर है तो, ये ध्यान रखना है। केवल ये एजुकेशन उसी समय लिखनी है जब विज्ञापन लिखा जा रहा है और उसमें केवल जो लड़का या लड़की है वो सरकारी सेवा में नहीं है, प्राइवेट सेवा में है, प्राइवेट क्षेत्र में है, तो आप उसमें उसका शिक्षा भी लिखोगे और उसमें आप नीचे आगे चल करके आप उसका सैलरी भी लिखोगे कि इतने रुपए पर मंथ कमाते हुए। मैं बता दूंगा फॉर्मेट बना करके, चिंता मत करना। एजुकेशन के बाद नीचे फिर लिखिए पैराग्राफ बदलकर किस प्रकार की वधु या वर चाहिए, का विवरण लिखा जाता है। मतलब कहने का कि आपने पूरा वो लिख दिया, वांटेड ए ब्राइड, वांटेड ए ग्रूम, लेकिन ब्राइड और ब्राइड ग्रूम आपको चाहिए या आवश्यकता है किस प्रकार का, वो नीचे लिखना है। ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, किसके लिए चाहिए ये तो आपको लिखना है ऊपर। ध्यान दीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, दो प्रकार की चीजें यहां कॉलम में लिखी जाती हैं। मैं फिर कॉलम बना रहा हूं, हालांकि मैं फॉर्मेट बना दूंगा, अभी फॉर्मेट बना करके ही फिर क्वेश्चन लिखाऊंगा। देखो इस प्रकार से आप लिखोगे, वैवाहिक विज्ञापन की बात कर रहा हूं, ऊपर लिख दिया आपने मैट्रिमोनियल, ओके डियर्स, यहां आपने लिख दिया वांटेड ए ब्राइड या वांटेड ए ग्रूम, ये लिख दिया, और नीचे जो विवरण लिखा जाता है यहां आप लिखोगे किस प्रकार, मतलब किसके लिए वर या वधू चाहिए। कहने का मतलब ऊपर लिख दिया वांटेड ए ग्रूम या वांटेड ए ब्राइड, वर चाहिए वधू चाहिए, किस प्रकार की वर या वधू चाहिए वो तो लिखना है नीचे, लेकिन किसके लिए चाहिए वो लिखना है ऊपर। लड़के या लड़की की तलाश है, किसके लिए तलाश है उसका विवरण ऊपर लिखना है, ये यहां इतना शिक्षित है, इतनी हाइट है, इतनी एज है, ऐसा फैमिली से बिलोंग करता है, वो ऊपर लिखना, सुंदर है, ये जाति है, ये गोत्र है, ये ऊपर लिखना है। और नीचे क्या लिखना है यहां कि किस प्रकार का वर या वधू की आवश्यकता है उसका विवरण आपको कहां लिखना है, नीचे लिखना है। आगे समझ में, यहां लिख दिया मैट्रिमोनियल, इधर लिख दिया आपने वांटेड ए ब्राइड या वांटेड ए ग्रूम, यानी वर चाहिए वधू चाहिए, यहां लिख दिया किसको चाहिए, किसको चाहिए, लड़का या लड़की जो है वो क्या है, कैसी है, कैसा है, वो लिखना है। और वो शुरू करना है किससे, अलायंस इनवाइटेड, संबंध आमंत्रित हैं, या वांटेड ए सूटेबल मैच, उपयुक्त मेल की आवश्यकता है। अलायंस इनवाइटेड का मतलब क्या होता है, संबंध आमंत्रित हैं और वांटेड ए सूटेबल मैच,
वांटेड माने क्या होता है, आवश्यकता है, सूटेबल मैच माने उपयुक्त मेल की आवश्यकता है। तो किस प्रकार के लिए आपको यहां लिखना है, क्या उसका जाति है, क्या उसका गोत्र है, ब्यूटीफुल हैंडसम वो लिखना है, उसके बाद उसका हाइट कितनी है, एज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, कमाता कितना है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका विवरण भी लिखना है, प्राइवेट क्षेत्र में है तो लिखना है कमाता इतना है, और सरकारी क्षेत्र में है तो आपको फिर कमाने की आवश्यकता नहीं लिखनी है, केवल लिखना है गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट लेक्चरर, गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कितनी शिक्षा लिखेंगे, कोई गवर्नमेंट इंजीनियर तो आपको बीटेक लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि बीटेक किया हुआ तो ही इंजीनियर होगा सरकारी क्षेत्रों में, प्राइवेट क्षेत्र में तो बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि यहां नीचे और विवरण जो लिखेंगे वो प्रॉपर्टी का लिखेंगे, तो सरकारी होता है प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला, प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट क्षेत्र में यदि वो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो आपको यहां सैलरी का विवरण भी लिखना है, अर्निंग इतने रुपए पर मंथ, यदि सरकारी सेवा में है तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है कि इतने रुपए पर मंथ कमाते हुए, बिल्कुल नहीं। इसके बाद नीचे यहां जो हम विवरण लिखते हैं वो विवरण लिखते हैं कि हमें किस प्रकार की वधु, किस प्रकार की वधु या किस प्रकार का वर चाहिए, ये आपको यह लिखना है, टाल एंड स्लिम, टाल एंड हेल्दी, ध्यान रखना लड़की के लिए टाल एंड स्लिम एंड ब्यूटीफुल, एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, ये लिखना है, और जबकि लड़के के लिए क्या लिखना है, टाल एंड हेल्दी, लंबा और स्वस्थ हैंडसम लड़के की आवश्यकता है, फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, ये आप लिखोगे। इसमें विशेष ध्यान देना है लड़के के लिए टाल एंड स्लिम का प्रयोग नहीं करना है, स्लिम जो होता है वो केवल लड़कियों के लिए यूज में लिया जाता है, लड़के के लिए यूज में नहीं लिया जाता कि दुबले पतले लड़के की आवश्यकता है, नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। नीचे विवरण इसका कंप्लीट होने के बाद फिर आप यहां एड्रेस लिखोगे, पता लिखोगे, पता क्या लिखोगे, सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, सेंड भेजो, ए रिसेंट मान एक हाल ही का, फोटोग्राफ माने फोटोग्राफ विद कंप्लीट बायोडाटा, पूर्ण विवरण के साथ, ये आपको यहां लिखना है, ऑन दिस कॉन्टैक्ट माने इस पते पर, इस एड्रेस पर, या ऑन दिस एड्रेस, और फिर नीचे आपको यहां क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर, फोन नंबर जो भी है, पिन नंबर, ये यहां लिखना है, नाम लिख करके कि किस स्थान पर आपको यहां कॉन्टेक्ट करना है, किस व्यक्ति से करना है। अब आप इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए एक पंक्ति, उसके बाद मैं फॉर्मेट बताता हूं यहां। फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहां लास्ट पंक्ति और लिख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होने के बाद एड्रेस, फोन या मोबाइल नंबर नाम के साथ लिखते हैं, ये आपका यहां विज्ञापन मैट्रिमोनियल इस प्रकार से लिखते हैं,
अब मैं यहां बात करता हूं फॉर्मेट की। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा। फॉर्मेट क्या है? FORMAT, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट में आपको इस प्रकार से कुछ बनाना है, इस प्रकार से कुछ बना करके यहां आपको लिखना है MATRIMONIAL मैट्रिमोनियल, और यहां लिखना है वांटेड ए ब्राइड। ब्राइड नहीं लिखोगे तो लिखोगे ब्राइडग्रूम, ये ध्यान रखना। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन तो क्वेश्चन में लिखना है, फिर क्वेश्चन में यदि आपका विज्ञापन आता है वैवाहिक वाला तो क्या लिखना है? मैट्रिमोनियल, MATRIMONIAL। इसके बाद वर चाहिए, वधु चाहिए, दो कॉलम आपको बनाने हैं, एक ये वाला कॉलम छोटा वाला और एक बड़ा वाला कॉलम। छोटे वाले कॉलम में क्या लिखना है? वांटेड ए ब्राइड और वांटेड ए ग्रूम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको वधु की तलाश है या वर की तलाश है, क्वेश्चन इस बात को कहेगा। यू आर सर्चिंग और यू आर सीकिंग ए ब्राइड फॉर यूर सन, यू आर सीकिंग ए ब्राइड ग्रूम फॉर यूर डॉटर, फॉर यूर सिस्टर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये फॉर्मेट में नीचे क्या विवरण लिखना है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, यह लिखना है लड़के या लड़की का विवरण कि आपको किस लड़का या लड़की के लिए वर या वधु चाहिए। पैरा चेंज के करके यहां पर लिखना है किस प्रकार का लड़का या लड़की चाहिए, और फिर आपको लिखना है लास्ट में एड्रेस, जो व्यक्ति विज्ञापन लिख रहा है उसका पता। यहां से आगे कल बात करेंगे। आप अधिक से अधिक इन क्लासेज का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को, इन क्लासेज को आप अटेंड करें, देखें। कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, इसमें वीडियोज में दिया हुआ है नीचे, आप वहां संपर्क कर सकते हो। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की यहां क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार।